नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं प्राइम शतक की। गुजरात प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ठाकोर के बयान पर बवाल। विहिप ने पार्टी के दफ्तर पर लगाए हज हाउस के पोस्टर। महाकाल मंदिर में आग। ब्रिज निर्माण के दौरान आग से श्रद्धालु सहमे, अफरा तफरी मची। सुप्रीम कोर्ट ने भूख से मौत पर जताई चिंता। जज बोले, लोग पेट पर कपड़ा बांधकर पानी पीकर भूख मारने को मजबूर। नूपुर शर्मा के समर्थक पर जानलेवा हमला। भोपाल के गृह मंत्री नरोत्तम बोले, बजरंग दल नेता के 13 हमलावरों पर एनएसए की कार्रवाई करेगी। मेट्रो में लड़की ने जमकर किया डांस। अजमेर दरगाह में रील बनाना पड़ा महंगा। पाकिस्तानी पीएम की कुर्सी तक पहुंची थी टिकटॉक स्टार। द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति चुनाव जीती। देश की पहली आदिवासी और दूसरी महिला प्रेसिडेंट बनी। सिन्हा को 3 राज्यों से एक भी वोट नहीं मिला। देश के 9 राज्यों में कोरोना का खतरा बढ़ा। बीते 24 घंटे में 17,882 संक्रमित मिले। 2,486 नए केस, बंगाल टॉप पर। देश में बारिश, बाढ़ से हालात खराब। पंजाब में बारिश से घर की छत गिरी, 4 की मौत। यूपी में बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का हिस्सा भी धंसा। नूपुर को मारने आया रिजवान। पाकिस्तान में भी अपराधी। लाहौर में महाराजा रणजीत सिंह की मूर्ति तोड़ी थी, अब भारत में की घुसपैठ। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी की कार्रवाई। प्रफुल्ल पटेल की बिल्डिंग के 4 फ्लोर हुए अटैच। ओम बिरला ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को घर जाकर दी बधाई। कहा, कुशल मार्गदर्शन में होगा नए भारत का निर्माण। केजरीवाल को राज्यपाल ने नहीं दी सिंगापुर जाने की परमिशन। दिल्ली के सीएम बोले, मैं सिंगापुर जरूर जाऊंगा, एलजी से टकराऊं। शरद पवार के कैंडिडेट नहीं बनने से नाराज थी ममता बनर्जी। उपराष्ट्रपति चुनाव में विपक्षी एकता को दिया झटका। एमपी में चाय वाले ने डिप्टी कलेक्टर को पीटा। मंदसौर में स्टंटबाज को समझा रहा था अफसर, गुमटी वाले ने कर दी मारपीट। प्रशासन ने दुकान तोड़ी। फ्लाइट में थे 134 पैसेंजर्स। युवक बोला, मेरे पास बम है। पटना से दिल्ली जा रहे विमान में टेक ऑफ से पहले हड़कंप। देर रात होती रही जांच। आगरा में सड़क पर दौड़ते डंपर में लगी आग। केबिन में फंसा ड्राइवर गंभीर रूप से चला हालत चिंताजनक। फायर ब्रिगेड ने पाया आग पर काबू। बीजेपी पार्षद के भतीजे की गोली मारकर हत्या। पारिवारिक रंजिश में पड़ोसी युवक ने पहले गोली मारी, फिर ईंट से ऊंचा सिर। पुलिस ने 6 लोगों को उठाया। झांसी में बालू में दबी मिली महिला में बालू में दबी मिली महिला इटावा की थी। पति से चल रहा था विवाद, आगरा से लापता हुई थी। आगामी त्योहारों को लेकर डीएम एसएसपी की बैठक। बिजली, ट्रैफिक, साफ सफाई और पार्किंग का ध्यान रखने के दिए निर्देश। उप
ओपी राजभर को मिली वाई कैटेगरी की सिक्योरिटी। अखिलेश से चल रहे नाराज, राष्ट्रपति चुनाव में एनडीए कैंडिडेट द्रौपदी मुर्मू को किया था वोट। यूपी में 18 आईपीएस के ट्रांसफर, डीआईजी स्तर के अधिकारी बदले गए। एससीओ डीआईजी राजीव मल्होत्रा पीटीसी उन्नाव बने। कांग्रेसियों पर सुल्तानपुर पुलिस का एक्शन, युवा कांग्रेस और एनएसयूआई के नेता को गुंडा एक्ट की नोटिस। बॉलीवुड राइटर्स है एक नेता। दमकल टीम ने रेस्क्यू कर ट्रक सवारों की बचाई जान। इटावा के रेलवे अंडरपास नहर में हुआ तब्दील, ट्रक डूबा, घंटों फंसे रहे चालक परिचालक। झांसी में गैंगस्टरों की 121 करोड़ की प्रॉपर्टी कुर्क, योगी के 100 दिनों की कार्य योजना में शामिल थी कार्रवाई, 33 गैंग पर एक्शन। कावड़ियों की सेवा में पुलिस सुरक्षा के साथ भोजन और मेडिकल सेवा भी दे रही। अंबाला रोड पर लगाया कावड़ शिविर। ट्रैफिक नियमों को तोड़ना पड़ेगा भारी, मथुरा में डीएम एसएसपी ने ट्रैफिक कंट्रोल रूम का किया निरीक्षण, भेजा जाएगा ई चालान। देवरिया में जनप्रतिनिधियों ने दिखाई उदासीनता, आपसी सहयोग से ग्रामीणों ने बना दिया 35 फीट लंबा पुल। खाना खाते रहे बैंक कर्मी, कैश से लाखों हुए चोरी। अलीगढ़ के खैर स्थित केनरा बैंक में घुसकर हुई चोरी, सीसीटीवी देखे तो उड़ गए होश। बरेली में सीआर का हमला, बाइक सवार को दौड़ाया, सीसीटीवी में कैद हुई हरकत, कई लोग दो दिनों से नहीं निकले घर के बाहर। बहराइच में गिरिजा बैराज पर तैरता मिला बाघ, वन विभाग ने ड्रोन से की निगरानी, किनारे से होता हुआ जंगल में भाग निकला। जालौन में बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर हादसा, तेज रफ्तार स्कॉर्पियो बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे की रेलिंग तोड़कर नीचे गिरी। राजघाट बांध का बढ़ा जल स्तर, मध्य प्रदेश में हुई झमाझम बारिश का असर, माता टीला बांध के खोले गए 15 गेट। कोपागंज में हाईकोर्ट के आदेश पर हटाया गया अतिक्रमण, चार मकानों पर चला बुलडोजर, पोखरे को पाट कर किया था कब्जा। स्वतंत्रता सप्ताह में हर घर फहरेगा तिरंगा, स्वयं सहायता समूह की महिलाएं कर रही तिरंगे की सिलाई, वीडियो ने परखी झंडे की गुणवत्ता। डीएम ने मछली पालन के तालाब का किया निरीक्षण, किसानों की आय बढ़ाने में मत्स्य पालन काफी कारगर होगा। वाराणसी एयरपोर्ट पर 18.17 लाख रुपए का सोना बरामद, शारजाह से आया था यात्री, एक्सरे जांच के दौरान पकड़ा। लखीमपुर खीरी में खेत में मिला शव, पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा, नहीं हो सकी शिनाख्त। पत्नी ने बेटे संग मिलकर पति को चाकू से काटा, कंबल में लपेट कर नाले में फेंका था शव, पकड़े जाने पर कहा नशे में पीटता था। नोएडा की सड़कों पर फिर हीरोपंती, के सेकेंड के वीडियो में लग्जरी कार के बोनट पर बैठकर बनाई रील। बागपत में एसपी ने कांवड़ यात्रा मार्ग का किया निरीक्षण, कांवड़ शिविरों का भी भ्रमण किया, बोले पुलिसकर्मी रहे सतर्क।
तीन घंटे अंधेरे में रहे कांवड़िया। राज्य मंत्री कपिल देव ने अफसरों को चौराहे पर खड़ा किया, मोबाइल टॉर्च की रोशनी में की सुरक्षा। आजमगढ़ स्वास्थ्य विभाग में गाड़ियों के टेंडर में गड़बड़ झाला, मामले की कमिश्नर से शिकायत, सीएमओ बोले आपसी गुटबाजी के चलते हो रहा विवाद। मथुरा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, चार बदमाश किए गिरफ्तार, दो बदमाश गोली लगने से घायल। बिजली कटौती से परेशान लोगों ने हाईवे पर लगाया जाम, पुलिस ने पहुंचकर जाम खुलवाया, विरोध के बाद बिजली आपूर्ति बहाल की गई। विकास कार्यों में लापरवाही पर कमिश्नर ने जताई नाराजगी, शाहजहांपुर और बदायूं के अफसरों को लगाई फटकार। आफत बनकर बरस रही बारिश, नौ राज्यों में 161 सड़कें बंद, राहत एवं बचाव कार्यों के लिए 103 टीमें गठित। उत्तराखंड में हड़ताल के दौरान हटाए गए 196 जेई बहाल, लोनीवी मंत्री सतपाल महाराज ने दिए निर्देश। दो घंटे में पूरा हो सकेगा देहरादून से चंडीगढ़ का सफर, दिल्ली दून एक्सप्रेसवे 2024 तक पूरा होगा। उत्तराखंड एसटीएफ की कार्रवाई, देहरादून में पकड़ा गया फर्जी इंटरनेशनल कॉल सेंटर, 1.26 करोड़ रुपए बरामद। हरिद्वार में साध्वी प्राची को मिला उर्दू में लिखा धमकी भरा पत्र, सीएम योगी का भी है जिक्र। बद्रीनाथ हाईवे पुल हादसा, प्रोजेक्ट मैनेजर और इंजीनियर गिरफ्तार, विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज। बेरहम पति ने दहेज के लिए पहले की पत्नी की हत्या, फिर कुनीगाड़ में जलाकर छोड़ दिया शव। चारा पत्ती विवाद को लेकर सीएम धामी ने दिए जांच के आदेश, गढ़वाल आयुक्त से मांगी रिपोर्ट। रुड़की में बाइक की टक्कर से दिल्ली के किशोर कांवड़िए की मौत, कांवड़ लेकर लौटते समय हुआ हादसा। आईपीएस खुराना का खुलेगा पुराना मामला, ओनिडा फैक्ट्री अग्निकांड में 12 कर्मचारियों की जिंदा जलकर हो गई थी मौत। सोनिया गांधी से ईडी पूछताछ के खिलाफ कांग्रेस का प्रदर्शन, सड़क पर दिया धरना, नेताओं ने दी गिरफ्तारी। हरिद्वार में गंगा नदी के तेज बहाव में बहे 7 कांवड़िए, सेना और पुलिस ने मिलकर बचाया। राष्ट्रपति चुनाव में द्रौपदी मुर्मू की रिकॉर्ड जीत पर दून और ऋषिकेश में जश्न, कार्यकर्ताओं ने आतिशबाजी कर पार्टी बिठाई। लखनऊ के लुलु मॉल की तरह हरिद्वार में भी पड़ी गई सामूहिक नमाज, 8 दुकानदार गिरफ्तार। उत्तराखंड में तीसरे दिन सुचारू हुई फूलों की घाटी यात्रा, नाले के उफान पर आने से रोके गए थे 160 पर्यटक। दिनेश गुणवर्धने बने श्रीलंका के नए प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति रानिल के सहपाठी रहे दोनों पर अब देश को आर्थिक संकट से उबारने का भार।
कैपिटल हिंसा में ट्रंप ने नहीं लिया एक्शन, जांच कमेटी बोली। ट्रंप 187 मिनट तक डाइनिंग रूम में बैठे रहे, सब टीवी पर देख रहे थे। रूस ने दिए व्यापक युद्ध के संकेत, ब्रिटेन और अमेरिका बोला यूक्रेन को देंगे हथियार। तुर्की यूएन की मेहनत रंग लाई, रूस यूक्रेन के बीच होगा अहम समझौता, नाज संकट से राहत के आसार। इटली के प्रधानमंत्री पीएम मारियो द्रागी ने दिया इस्तीफा, विश्वास मत में नहीं पहुंचे थे गठबंधन सहयोगी। श्रीलंका में नए राष्ट्रपति के खिलाफ प्रदर्शन तेज, कोलंबो में राष्ट्रपति सचिवालय के बाहर प्रदर्शनकारियों के टेंट उखाड़े। अमेरिका में सामने आया पोलियो का केस, बीमारी के खात्मे के ऐलान के 10 साल बाद न्यूयॉर्क में 20 साल के युवक में वायरस मिला। चीन में बैंकों के सामने टैंक तैनात, कस्टमर्स के अकाउंट फ्रीज, बैंक जाने पर रोक, 1978 में भी इसी तरह प्रदर्शन कुचला था। मोबाइल टावर में हुवेई के उपकरण लगा, अमेरिकी मिसाइल बेस की जासूसी कर रहा चीन, शुरू हुई जांच। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन कोरोना पॉजिटिव, व्हाइट हाउस बोला बेहद मामूली है लक्षण। चीनी कंपनी को रेलवे का टेंडर, चीनी कंपनी बनाएगी इंडियन रेलवे के लिए 30,000 एक्सल, एक्सपर्ट बोले फैसले से थोड़ी हैरानी। अमीरों में चौथे नंबर पर अडानी, नेटवर्थ बढ़कर 9.2 लाख करोड़ हुई, माइक्रोसॉफ्ट की फाउंडर बिल गेट्स को पीछे छोड़ा। एक साल के निचले स्तर पर आया सोना, 50,000 के करीब पहुंचा सोना, आने वाले दिनों में भी जारी रह सकती है गिरावट। डेल का नया लैपटॉप लॉन्च, डेल के एक्सपीएस 13 प्लस 9320 में 4K रेजोल्यूशन वाली स्क्रीन मिलेगी, कीमत 1.60 लाख रुपए से शुरू। रुपए की गिरावट पर बोले आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास, कहा हम जीरो टॉलरेंस की नीति अपना रहे। दुबई कोचीन विमान की मुंबई में हुई थी आपात लैंडिंग, 180 यात्रियों संग वैकल्पिक विमान पहुंचा कोचीन। बियाणी और अमेजन को झटका, फ्यूचर रिटेल दिवालिया घोषित, बीओआई की याचिका पर कार्रवाई का आदेश। डॉजकॉइन का नया कोर सॉफ्टवेयर अपडेट रिलीज, नेटवर्थ में होगा सुधार। फोन पे अब भारत में, फोन पे का मुख्यालय सिंगापुर से भारत लाने की तैयारी। टन कोयले का आयात करेगा भारत, देश में महंगी हो सकती है बिजली। पहले वनडे से ठीक पहले जडेजा चोटिल, जल्द फिट नहीं हुए तो सीरीज से बाहर हो सकते हैं, कप्तान बोले नहीं पता आज खेलेंगे या नहीं। श्रीलंका के इनकार के बाद संयुक्त अरब अमीरात में होगा एशिया कप, बीसीसीआई ने की घोषणा।
केएल राहुल कोरोना संक्रमित, वेस्ट इंडीज के खिलाफ टी20 सीरीज खेलने पर संशय। काउंटी डेब्यू पर नवदीप सैनी को झटका, 5 विकेट, टीम ने दिया स्टैंडिंग ओवेशन, फैंस बोले मूर्ति बनवा दो। पुजारा का दीवाना हुआ लॉर्ड्स, दोहरे शतक के बाद दिग्गजों ने खड़े होकर बजाई तालियां। नीरज, रोहित, एजोस वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप के फाइनल में एक ही दिन में 3 एथलेट मेडल राउंड में। बारिश के बीच टीम इंडिया की प्रैक्टिस जारी, ओवल की इंडोर पिच पर नेट करते दिखाई दिए खिलाड़ी, वेस्टइंडीज दौरे का पहला वनडे कल। वीवीएस लक्ष्मण की बीसीसीआई को खास सलाह, कहा सिर्फ खिलाड़ियों का नहीं कोच की भी बेंच स्ट्रेंथ भी जरूरी। अपनी बेटी वामिका और अनुष्का शर्मा के साथ मस्ती करते नजर आए विराट कोहली, इंस्टाग्राम पर शेयर किया वीडियो। हॉकी विश्व कप 2023 की मेजबानी गवा सकता है भारत, अगले महीने हॉकी महासंघ का दल करेगा दौरा। पैसे न होने के कारण सामंत ने चुना एक्टिंग करियर, बोली फैमिली के पास मेरी हायर एजुकेशन के लिए नहीं थे पैसे। स्मृति ईरानी ने बेटे के लिए लिखा स्पेशल मैसेज, शेयर किया ग्रेजुएशन सेरेमनी का वीडियो, बोली मुझे आप पर गर्व है। रणवीर सिंह का वायरल वीडियो, प्रमोशनल इवेंट में चप्पल पहनकर पहुंचे विजय देवरकोड़ा, रणवीर सिंह ने उड़ाया मजाक। कनाडा की नागरिकता पर अक्षय कुमार बोले ठीक है बुलाओ कनाडा कुमार, मुझे अब फर्क नहीं पड़ता। शमशेरा पर बोली वाणी कपूर, लकी हूं जो चंडीगढ़ करे आशुकी के बाद करण ने अपनी फिल्म में कास्ट किया। फिल्म मेकर को मिली राहत, अविनाश दास को अहमदाबाद कोर्ट से मिली जमानत, कॉन्ट्रोवर्सियल फोटो शेयर करने के बाद हुए थे गिरफ्तार। सुष्मिता सेन के एक्स बॉयफ्रेंड ने शेयर किया वीडियो, बोले पार्टनर से उम्मीद मत रखो, किसी ने आपको खुश करने का ठेका नहीं लिया। सारा इज बैक ऑन ट्रैक, लंदन से लौटकर सारा अली खान ने किया इंटेंस वर्कआउट, शेयर किया वीडियो। माधवन के बेटे से मिले ओडिशा के सीएम नवीन पटनायक, एक्टर फोटो शेयर कर बोले स्पोर्ट्स के फ्यूचर के लिए आपका कमिटमेंट उत्साहजनक है। जेनेलिया से मिलने पहुंचे रितेश, फिटनेस के लिए जिम में पसीना बहा रही है जेनेलिया, रितेश और बच्चों ने किया सपोर्ट। प्राइम शतक में फिलहाल इतना ही, देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।